Assalamualaikum, hello everyone, welcome to our channel. This is Khan's Khazana with Fun. फिर से हाजिर हैं हम नई रेसिपी के साथ. अगर आप लोग फूड लवर्स हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा. आज हम बनाएंगे कीमे की डिलीशियस डिश, कीमे के समोसे. तो गाइस, समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए 5 to 6 मीडियम साइज़ की अनियन, 7 to 8 ग्रीन चिल्ली, 1 कप कोरिएंडर. ग्रीन चिल्ली आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. और कुछ स्पाइसेस लेंगे. यहाँ मैंने लिए 2 टेबल स्पून पीली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट. इन सबको हम कट कर लेंगे. और इधर हमने लिया है 1 केजी कीमा, इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है. एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें अपने कीमे को ऐड कर देंगे. फिर उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, सब कुछ हमने लिया था, सब ऐड करेंगे. टू टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, देन इसे कुक होने के लिए रख देंगे. 1 ग्लास हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, 250 ml, और इसमें एक विसल लेंगे. तब तक के लिए हम दूसरी साइड अपना डो तैयार करते हैं. यहाँ मैंने लिए ब्रेड, एक बोल लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और अपने ब्रेड को उसमें डिप करेंगे. अब हम इसे ऐसे रहने देंगे. दूसरी साइड आटा लिया है, अब उसमें ही सारा वाटर हम ऐड करेंगे. उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट. 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 केजी आटा है मेरा. टू टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 वाटर को हम ऐसे ऐड कर देंगे. ना हमें ज़्यादा पतला डो बनाना है और ना ज़्यादा टाइट बनाना है. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्रेड को अपने आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ब्रेड भी हमारा आटे में मिक्स हो जाए अच्छे से. जो हमने हल्दी डाली थी उसको भी मिक्स करेंगे. थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से गूंदना है. आप चाहें तो पहली बार ट्राई करें तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हैं, 1/2 क्वांटिटी से बना सकते हैं. एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनकर आते हैं. अगर एक बार बनाएंगे घर में आप सब आपके फ़ैन हो जाएंगे. सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐसे पंच करेंगे ताकि जो हमारी हल्दी है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए. टू टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से और जो अच्छे से इसको क्लीन करेंगे. देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से हल्दी मिक्स हो रही है पूरे आटे में. ये हमारा रेडी हो गया है. अब इसे कवर करके हम ब्रश करवाते हैं. दूसरी साइड हमारा कीमा रेडी हो गया है. अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम. ये देखिए, अब इसमें पानी है. फ्लेम मीडियम रखना है. अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे जो हमने फाइनल चॉप करी है. इसको
इसको मिक्स करके हमें वन विसल लेनी है। वन विसल आ गई है, अब हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी है, बट अब हमें इसे भूनना है। जो हमारी प्याज है वो अच्छे से गल गई है, कीमे के साथ मिक्स हो गई है, अब हम इसे भूनेंगे। साथ में यहाँ ऐड कर दी हमने ग्रीन चिल्ली, जिसको हमने नॉर्मली कट कर लिया है, जिनको नहीं पसंद है ताकि वो इजीली इसे साइड कर सके। ये अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम अपने कीमा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये भुन गया है तो हमने इसमें अपना धनिया ऐड कर दिया है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ट्रिपल अच्छा ये खाने में लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं आप लोग तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। दूसरी साइड हम रखेंगे ऑयल अपना गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें एक प्लेट लेनी है या कोई थाली यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम पॉली जो पन्नी होती है नॉर्मल यूज़ करने की, उसको कट कर कर वॉश करके और ऐसे उस पर लगा देंगे। देन उसे पानी का हाथ लगाएंगे, छोटी सी हम बॉल ऐसे तोड़ेंगे और उसको अच्छे से हमें हाथ से गोल करके ऐसे प्रेस करना है, जैसे हम पूरी बनाते हैं ऐसे हमें हाथ से बढ़ाना है इसे। और ये आटा ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये ईजिली हमारा बढ़ जाएगा। 2 स्पून हमें इसमें अपना कीमा रखना है जो रेडी किया है। कीमा जितना होगा समोसे उतने टेस्टी बन के आएंगे, बट ओवर भी नहीं रखिएगा क्योंकि अदरवाइज़ समोसे फट जाएंगे, और वो फट जाएंगे तो सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। पानी लगा के हल्के हल्के इसके जो साइड्स हैं उसको हम प्रेस करेंगे ताकि ये जब हम ऑयल में डालें तो ये खुले नहीं। और एक हाथ पे मैं ऐसे पॉली उठाएंगे और एकदम इसको हम ऑयल में डाल देंगे। हाथ में उठाने के बाद आप ज़्यादा देर नहीं रोकिएगा क्योंकि समोसे फिर बड़े हो जाएंगे और वो सारा जो हमारा कीमा बाहर आ जाएगा। फिर से हम सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, कीमा ऐड किया, देन पूरी पॉली को हम एक साइड लेके जा रहे हैं और ऐसे प्रेस किया। अब वाटर लगाएंगे और इसको अच्छे से हम देखिए सील कर दिया इसको अच्छे से, और ऐसे दबाएंगे और एक हाथ पे पॉली उठाएंगे, ऐसे पॉली उठाई दूसरे हाथ पे लिया और एकदम गया ऑयल में। इसी तरीके से हमारे सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। गाइस कोई आपके यहाँ गेस्ट आए आप तब भी इसे ज़रूर सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। अदरवाइज़ अब रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इफ्तार में, यकीनन सबको ये डिश बहुत पसंद आएगी। इसकी साइड चेंज करके आपको बस ऐसे इसको गोल्डन कलर लेकर आना है। सो गाइज मैंने अपने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं, अब इसे सर्व कर दिया है हमने, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।